हाय दोस्तों, वेलकम टू म्यूजिक सीखें। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ एक प्रोजेक्ट शेयर करने जा रहा हूँ। ये छोटा सा प्रोजेक्ट है जो मैंने अभी हाल ही में किया था। तो ये कवर टाइप का प्रोजेक्ट है, ये पसूरी सॉन्ग का प्रोजेक्ट है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ बीट है और कुछ गिटार के एलिमेंट्स हैं और बेस के साथ में ये गाना हमारा रेडी हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे मैंने बनाया। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो ओरिजिनल वोकल है वो थोड़ा सा सुना देता हूँ, क्योंकि ज्यादा सुनाऊंगा तो वोकल क्योंकि दूसरे बंदे का है तो कॉपीराइट इशू आ सकता है। तो ये वोकल के अंदर मैंने यहाँ पे रिवर्ब लगा के रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रैक के अंदर रिवर्ब एंड डिले को मैंने साइड चेंज कर रखा है। और उसके बाद हमारे बाकी ट्रैक्स आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कोड लगाया, सबसे पहले वोकल और कोड सुनाता हूँ साथ में। तो इस तरह से मैंने कोड लगाया। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने प्लग के साउंड जो है वो मैंने लगाए, और प्लग किस टाइप का मैंने बनाया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इस तरह से मैंने जो प्लग है वो यहाँ पे बनाया है। और उसके बाद हल्का सा मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में स्नेयर लगाया है और हाई हैट लगाया, और इसमें सिर्फ रिवर्ब हमने यहाँ पे लगाया है। और इसके बाद हाई हैट हमने लगाया, और एक यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का कुछ हमने यहाँ पे बनाया था। और इसमें हमने बाकी इफेक्ट प्रोसेसिंग किया था। इसमें सिर्फ हमने एक EQ लगाया था जो कि फैब फिल्टर का EQ है, और एक साउंड गुड का ये हमने प्लगइन्स लगाया था। और उसके बाद इसमें मैंने बीट के जो काम है वो किए थे। बहुत सिंपल सा बीट है। तो बीट में ही मैं आपको सुना देता हूँ मैंने क्या बनाया, जिसमें किक, स्नेयर और स्नैप है। इन सारे एलिमेंट को हम सुनते हैं कि कैसा लग रहा है। और उसके बाद फिर से यहाँ पे स्नैप और इलेक्ट्रिक गिटार हमने यूज किया है। तो स्नैप में आपको सुनाता हूँ मैंने किस तरह के स्नैप लगाए हैं। बहुत सिंपल है, हल्का सा रिवर्ब मैंने यहाँ पे स्नैप के अंदर यूज किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ हल्का सा रिवर्ब हमने यूज किया था। ये गिटार का पैच हमने रिकॉर्ड किया, इलेक्ट्रिक गिटार है, और इसमें बाकी हमने इफेक्ट प्रोसेसिंग किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बाकी इफेक्ट हमने यूज किया, जैसे बेस, सब बेस। तो मैं आपको यहाँ से एक बार सुनाता हूँ, फिर आइडिया लग जाएगा कैसे मैंने क्या यूज किया। और नीचे में एक इलेक्ट्रिक गिटार हमने बजाया था, तो यहाँ से मैं आपको सुनाता हूँ। तो इसके अंदर मैंने स्नैप यहाँ पे यूज किए हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक गिटार, यहाँ पे बेस का ड्रॉप हमने यूज किया है इस तरह से, और एक यहाँ पे सब एफेक्ट्स हमने यूज किया है। तो ये दो को हम कंबाइन कर देंगे तो कुछ इस तरह का साउंड करेगा। थोड़ा सा ज्यादा बेस आएगा लेकिन सुनने में आपको बाद में ही अच्छा लगेगा। फिर हमने यहाँ पे वोकल के लिए बेस बनाया था, तो ये इस तरह से मैंने डिजाइन किया है। बहुत सिंपल सा हमने बनाया था, ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जो भी कोड हमारा था, मतलब जो भी कोड में नोट लग रहे हैं उसके एक एक नोट को यूज करके हमने यहाँ पे कोड प्रोग्रेशन बेस का बनाया था। और एक बार इसको सुनते हैं। और यहाँ पे हमने एक गिटार का पैच रिकॉर्ड किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने किक लगाया था, और फिर यहाँ पे हाई हैट हमने यूज किया है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बेस तो सुनाई दिया, एक इलेक्ट्रिक गिटार हमने यहाँ पे प्ले किया था। इसमें मैंने डिस्टोरेशन का साउंड डाल के इसको इस तरह से बनाया, और उसके बाद एक और हाई हैट मैंने यहाँ पे डाला है इस तरह का।
और बाकी मैंने यहाँ पे वोकल चॉप और ट्रांजिशन शेकर डाल के इसको इस तरह से एक छोटा मोटा कवर सॉन्ग हमने बनाया। तो ये जो प्रोजेक्ट है एक बार मैं आपको ये सुना देता हूँ स्टार्टिंग से लेके किस तरह का साउंड कर रहा है, और बाकी इसके अंदर अभी हम लोग मिक्सिंग और मास्टरिंग बाद में करेंगे। आई होप कि आपको ये छोटी सी प्रोजेक्ट मेरी अच्छी लग रही होगी। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट आप डेली देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए हर दिन इस तरह के जो प्रोजेक्ट है वो लेकर आते रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।